सब बच्चों को नमस्कार आज हम आपकी वर्कशीट नंबर सैंतीस क्लास सातवी विज्ञान जो कि आपके प्रकाश पाठ से चल रही है उसी के बारे में एक एक्टिविटी एक 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 करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉम्ड प्लेन मिरर एक साधारण दर्पण द्वारा जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब बनने का इमेज फॉर्मड इन ए प्लेन मिररर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जितनी होगी द इमेज इन ए प्लेन मिररर इज इरेक्ट सीधी होगी द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिररर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिररर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगी उसी के आधार पे आप देखो एक चेस बोर्ड रखा हुआ है जिसके अंदर 64 फोर स्क्वायर्स होते हैं ए थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द दिस पेपर आप एक बीच में एक थिक लाइन ड्रॉ करेंगे फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन ये जैसे हमने रख दिया है इसके अंदर प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक शार्पनर पेंसिल और आयरन नेल एट द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर नॉट द पोजिशन ऑफ द इमेज तो हमने क्या किया कि मिरर से और पीछे चार स्क्वायर काउंट करके एक शार्पनर रखा तो हमें ये देखना है कि इमेज के अंदर क्या होगा तो हम देखेंगे इमेज के अंदर भी जो है आपको शार्पनर की जो इमेज है वो फोर्थ जो है स्क्वायर के अंदर ही पीछे दिखाई देगी शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ जितना दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे जो है इमेज भी बनेगी तो यही चीज समझाने के लिए एक्टिविटी की गई है प्रकाश के अंदर समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है हमेशा सीधा होता है और जितनी दूरी पे वस्तु होती है दर्पण से उतनी दूरी पे ही बनता है तो शतरंज के अंदर हमने क्या कि एक बोर्ड के ऊपर एक मिरर के सामने चार खाने छोड़ के हमने एक शॉर्पनर को रखा और देखा कि क्या प्रतिबिंब के अंदर भी चार खाने छूटे कि नहीं और हमने पाया कि प्रतिबिंब के अंदर भी वही स्थिति है तो इसी तरह से एक क्रियाकलाप दे रखा है इसके अंदर राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फोर्थ तो पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर क्या होगी वो भी फोर्थ स्क्वायर ही होगी इन बिहाइंड और आप लिख सकते हैं इन साइड द मिरर फिफ्थ स्क्वायर है तो इसके अंदर भी फिफ्थ होगी और सेवंथ है तो इसके अंदर भी सेवंथ होगी मतलब जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी पोजीशन पे इमेज भी होगी राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज इन अबो एक्टिविटी अब आपके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े और अबो एक्टिविटी में हमारा ये यूज हो रहा द इमेज कैरेक्टरिस्टिकॉर्म इन ए प्लेन मिरर सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट तो आप खाली ये थर्ड वन भी लिख सकते हैं तीनों लिख के थर्ड को सर्कल कर दें कि द मेन दिस ऑब्जेक्टिव इज इन द अबो एक्टिविटी नीचे दी गई तालिका में अवलोकन करना है चौथे वर्ग में अगर रखा हुआ है तो वो चौथे ही वर्ग के अंदर आपका प्रतिबिंब भी बन रहा होगा दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे पांचवे वर्ग की बात है तो पांचवे ही वर्ग में बन रहा होगा और सातवें वर्ग की बात है तो सातवें वर्ग में बन रहा होगा और जो क्रियाकलाप किया गया है उसके अंदर प्रतिबिंब की विशेषताएं जो हमने तीन पढ़ी और मुख्य रूप से इस क्रियाकलाप के अंदर तीसरा जो विशेषता है वो काम आ रही है एक समतल दर्पण में बढ़ने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी वस्तु तो उसके सामने होती है तो मेरी तब तो समझ में देखने के लिए धन्यवाद